नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना मिस सोन ऑफ हिंदुस्तान। उम्मीद होगा मित्रों आप लोग अच्छे होंगे। आजकल जो देख रहे हैं भोजपुरी में जो छीछा लेदर मचाए हुए हैं बड़े भाई बीआईबी विजेंद्र सिंह जी, ये बिल्कुल अशोभनीय कार्य है भैया, क्योंकि आपको हम लोग इज्जत करते हैं और आप भैया इस तरह से अपने ही समाज का दो लड़का को बेइज्जती कर रहे हैं कि दोनों को बुढ़ा गया है। उसी इंडस्ट्री की हिस्सा आप भी हैं, जहाँ उसी इंडस्ट्री से आप भी खाते हैं और कमाते हैं, उसी इंडस्ट्री को आप बुरा भला कर रहे हैं, तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल आपको इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों सिर्फ लड़की जो है कमर हिलाएगा, अरे भाई तो सिंगर भी है एक्टर भी है, तो उसको मतलब नाचना पड़ेगा, तो मतलब हम कौन गलत काम कर रहा है? आप ना नाचते हैं, ना नाचागा तो आपको हम लोग इज्जत करते थे भैया, आप पूछिए अलग बड़ा कोई मैटर हुआ में घूस जाते हैं पाके जी। जिस तरह से बीआईबी विजेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि दोनों को बाइकॉट कर देना चाहिए, किस लिए बाइकॉट कर देना चाहिए जी? क्या बोल रहे हैं कि दोनों बूढ़ा गया है, आप जवान हो गए हैं, देखें अपन चेहरवा और खेसारी लाल यादव के चेहरवा, वो व्यक्ति अपना चेहरा बदल दिया, इतना मेहनत किया, आज वो किसी के सिफारिश पर वहाँ ना पहुँचा है, अपने स्ट्रगल पर पहुँचा और अपने मेहनत पर पहुँचा हुआ है, चाहे दोनों ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हो या पावर स्टार पवन सिंह जी हो, अपने ही घर के बच्चे को आप इस तरह से आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर बेइज्जती कर रहे हैं, ये कहाँ के शोभनीय बात है भाई? आप क्या बोलते हैं कि अंबानी के परिवार में गया दोनों को दो कौड़ी का इज्जत नहीं मिला था, आपको मिला था? कड़वा पर आपका नाम निकल था खेसारी लाल के जगह पर हटके, या पवन सिंह के कड़वा जगह पे? देश दुनिया के सारे डेलीगेट्स उतने बड़े बड़े हस्ती के सामने दो लड़का परफॉर्म कर रहा है, जिसे पूरे बिहार और भोजपुरी समाज का नाम रोशन हो रहा है, इस पर आप बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फोटो वायरल ना हुआ उस पर आगे चिल्लाए लगे तो दोनों को दो कौड़ी की इज्जत नहीं मिला, आपको मिला था ना, तो चल जाते आप भी, पूरा दुनिया से आया था जी ना सारे हस्ती, जिस फील्ड का भी हो, चाहे सब मूवी की इंडस्ट्री के हो या पॉलिटिकल इंडस्ट्री के हो या बिजनेस इंडस्ट्री के हो या कॉर्पोरेट सेक्टर, जो भी जितने भी सेक्टर के सब लोग आए थे, एक आप ही तो नहीं गए थे, आपको जाना चाहिए था ना। खेसारी लाल यादव अपने जिला के लड़का है, आप भी हमारे घर के बगल के ही आदमी है, अपने गाँव के हमारे गांव के बगल के ही आप भी आदमी हैं, आपको बड़े भाई मानते हैं, इज्जत करते हैं, वो लड़का पूरे जिला के साथ साथ पूरे बिहार को दोनों लड़का नाम रिप्रेजेंट करता है पूरे भोजपुरी समाज को, तो इस पर आपको गर्व होने की बात नहीं दिखता है? देखिए इस वीडियो में क्या बोल रहा है उनका प्रशंसक लोग, बायकॉट पवन सिंह और खेसारी लाल, ये सबको बूढ़ा हो गया है सब, इसको घर से बाहर निकालो, ये पागल हो गया है सब, इसको हटाओ, ये सब 2 करोड़ की फिल्मों को 30 लाख में छोड़ दिया, सारे बूढ़े हो गए हैं, ये लड़कियों के साथ सिर्फ डर लचका सकते हैं। अबे सुन, यही चप्पल लेके इतनी चप्पल मारेंगे ना तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा, तू तो कहीं पागल नहीं हो गया? अरे तू खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को पागल बोलेगा? वो ये सब देख कर हमको मन बहुत तकलीफ होता है, हम बोले कि मैं बनाऊंगा इस पर वीडियो। बीआईबी विजेंद्र सिंह जी, आपके खिलाफ मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ, गलतियाँ हो जाती है, लेकिन आप दोनों के साथ काम भी करते हैं और दोनों के बारे में ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल लोग इसको देखता है भैया, वाच करता है, आप अपना छवि बिल्कुल नहीं खराब करें। अब बिल्कुल जो बीआईबी विजेंद्र भैया के जो लोग मतलब ट्रोल कर रहे हैं, इस तरह के बातें बोल रहे हैं, बिल्कुल भाई ऐसा बात मत बोलो, ये भी हमारे समाज के ही व्यक्ति है और एक भोजपुरी धरोहर, ये भी ये व्यक्ति ये भी उसी इंडस्ट्री से हैं, और आप भी बोलते हैं ना कि दोनों मन को बड़ा भाई मानते हैं, सब इंडस्ट्री को बड़ा भाई मानता है, तो बड़ा भाई का काम यही नहीं रहता है कि छोटा भाई को नीचा दिखाएं, कुछ हुआ गलत बलट बोल दें। आज छोटे भाई आपसे रिक्वेस्ट करें, बड़े भाई बिल्कुल इस तरह के आप टिप्पा टिप्पणी ना करें, क्योंकि आपका एक अलग जगह है, स्थान है इंडस्ट्री में, और हम लोग एक अलग आपको सम्मान और इज्जत करते हैं। बाकी अगर मेरे मित्र अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि तमाम वीडियो के लिंक आप लोगों के बीच में आते रहें। धन्यवाद।